नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बात करूंगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट के साथ हो रहा है कि एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट भी हो रहा, मेरिट में भी यस आ रहा, लेकिन पेमेंट रिजेक्टेड बाय द एजेंसी आ रहा। क्यों आ रहा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। अब देख सकते हैं मेरा स्टूडेंट यहाँ पर मेरा इंस्टीट्यूट लॉगिन में इतना सारा स्टूडेंट का, मतलब सब स्टूडेंट का, जितना 100% स्टूडेंट का सेंड टू PFMS पर पेमेंट हो चुका, लेकिन अभी लगभग 90% स्टूडेंट का रिसीव हुआ, 90% का पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी इस तरह बता रहा। लेकिन क्यों बता रहा, उस स्टूडेंट को पेमेंट क्यों नहीं मिला, अभी तक अंडर प्रोसेसिंग में है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। और स्कॉलरशिप रिलेटेड एंड नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इतना सारा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पर सभी स्टूडेंट का सेंड फॉर PFMS हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी तक बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि लगभग 90% को तो पेमेंट मिल गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पेमेंट नहीं मिला है, अंडर प्रोसेसिंग बता रहा। तो क्यों नहीं मिला है, पहले आप लोग इसको चेक कर लीजिए, अगर आपके साथ भी इस तरह हो रहा डबल अंडर प्रोसेसिंग या डबल फाइल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोग को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं एक ही क्लास का, जितना एक ही क्लास का स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, 9th का 10th का है, ठीक है। मैं आप लोग को उदाहरण के तौर पर दिखा दे रहा हूँ कि क्या अभी बता रहा। तो चलिए देखते हैं इस स्टूडेंट को, हम इस स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लिए, अब PFMS वेबसाइट में सर्च कर रहे हैं। तो सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट का मैंने चेक किया था तो पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी बता रहा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर इस स्टूडेंट को पेमेंट नहीं मिला, इसको भी पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी और अंडर प्रोसेसिंग बता रहा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी इस तरह हो रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आपका दो बार यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी, फिर वो सेम स्टूडेंट, सेम सारा चीज़ वही स्टूडेंट का फाइल में फिर दिखा रहे हैं यहाँ पर, वही अमाउंट अंडर प्रोसेसिंग विद द मिनिस्ट्री, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग विद द मिनिस्ट्री दिखा रहा, फिर यहाँ पर पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी कुछ दिन पहले दिखा रहा था, ठीक है। मैंने लगभग एक दो दिन बाद ही बाद सारा स्टूडेंट का स्टेटस को चेक करता हूँ, तो पहले इस स्टूडेंट का स्टेटस दिख रहा था पेमेंट फाइल, मतलब अंडर प्रोसेसिंग विद द एजेंसी दिख रहा था, ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग विद द एजेंसी दिख रहा था। लेकिन फिर आज चेक किया तो देख रहे हैं यहाँ पर पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी दिख रहा, और फिर से यहाँ पर नीचे और एक कॉलम में दे दिया है अंडर प्रोसेसिंग विद द मिनिस्ट्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी इस तरह हो रहा तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये स्टूडेंट 9th क्लास का है, ठीक है, अब जान रहे, और इस स्टूडेंट पहले नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई कभी नहीं किया था, हाई स्कूल आने के बाद ही इसका स्कॉलरशिप हम अप्लाई किए। तो इसका बैंक के साथ आधार लिंक वगैरह, ये स्टूडेंट 8th क्लास में जैसे 7, 5, 7 या फिर 8 में खाता खुलाते, उसके बाद ये लोग अपने अकाउंट को चेक भी नहीं करते हैं, अकाउंट में बैलेंस रखता भी नहीं है, बच्चा है, ठीक है, छोटा स्टूडेंट है, तो ये लोग अपना बैंक तो छोड़िए, बैंक खाता नंबर तो छोड़ दीजिए, बैंक लोग कभी जब ओपन किया था तभी गया था, उसके बाद बैंक का पास गया ही नहीं, मतलब ये लोग और पेमेंट के थ्रू, मतलब किसी भी तरह का स्कॉलरशिप वगैरह ये लोग अप्लाई नहीं किया था, पहली बार हम कर दिए, लेकिन इन लोगों को सबको बोले थे कि आधार लिंक कर लेना, अकाउंट को चालू रखना। तो जितना सारा स्टूडेंट, लगभग स्टूडेंट जो सुना था बात, जो बैंक जाकर अपडेट किया था, आधार लिंक किया था, पैसा वैसा 100-200 जमा किया था, निकासी किया था, उन लोग का पेमेंट रिसीव हो चुका, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में, बहुत सारा स्टूडेंट को पेमेंट रिसीव हुआ, लेकिन इस स्टूडेंट का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहले पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी हुआ, उसके बाद फिर से अंडर प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। मतलब आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर एक बार आप लोग का पेमेंट फाइल अगर रिजेक्ट हो जाता, जितना स्टूडेंट का, बहुत स्टूडेंट का आप ही लोग कमेंट किए हैं कि पेमेंट फाइल मेरा रिजेक्टेड बाय द एजेंसी हो गया तो क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना, आप बैंक सीधा बैंक जाइए, बैंक में जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए कि मेरा इस तरह का बात है, स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई किए थे जिसमें पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी बता रहा, 7 दिन अंडर प्रोसेसिंग रहा, उसके बाद रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। तो अभी फिर से आप लोगों का चांस मिलेगा, फिर अंडर प्रोसेसिंग विद द एजेंसी विद द मिनिस्ट्री होगा, ठीक है। मतलब एक बार रिजेक्ट होने के बाद फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा, आप लोग देख सकते हैं रिपीट पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग फिर से हुआ, 2 दिन पहले यहाँ पर देखे थे तो पेमेंट फाइल रिजेक्ट, पेमेंट फाइल यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग यहाँ पर था, आप लोग जान ही रहे क्या बताता,
अंडर प्रोसेसिंग था, फिर यहाँ पर अभी कुछ दिन बाद देख रहे हैं अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री फिर से है। तो मैं इसको सलाह दूंगा कि ये बैंक जाके आधार कार्ड अपना अकाउंट जाए, जैसे बैंक में जाकर कॉन्टैक्ट करें, सीधा बोले कि सर स्कॉलरशिप का पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग है, एक बार रिजेक्ट हो गया फिर दोबारा अंडर प्रोसेसिंग में है और नहीं आ रहा। तो सर से जब कॉन्टैक्ट किया ऑफिस में तो बोला कि आधार लिंक करने और NPCF सर्वर में एक्टिव करने ताकि स्कॉलरशिप जल्द से जल्द आ जाएगा। तो बैंक को जैसे आप बोलेंगे तो बैंक वाले के पास वो अथॉरिटी रहता है NPCF में लिंक करने का, तो आपका अकाउंट नंबर के साथ आधार कार्ड जब दीजिएगा तो आधार के साथ वही अकाउंट NPCF सर्वर में लिंक कर देगा और आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट को मैं सलाह दिया हूँ। अब देखिए स्टूडेंट जब बैंक जाएगा, अब 7 दिन लगभग अंडर प्रोसेसिंग में लगभग रहता है, उसके बाद जैसे बैंक में के साथ अपडेट हो जाएगा, बैंक अकाउंट चालू हो जाएगा, आधार लिंक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तब इसको पेमेंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है।